रहे हैं विमर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। पटना में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 100 विमानों के ऑपरेशन का शेड्यूल जारी कर दिया है। नया शेड्यूल सर्दी के मौसम तक जारी रहेगा। शेड्यूल में दिल्ली के लिए पहले की तरह ही 16 फ्लाइट मौजूद होगी, लेकिन चंडीगढ़, जयपुर और वाराणसी के लिए पटना एयरपोर्ट से कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। जाहिर है अब पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की गहमा गहमी बढ़ेगी। यात्री सुविधाओं की बात करें तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अधिकारियों ने बताया कि बिहार हैंगर की जमीन पर 2 पार्किंग बनाया जा रहा है, तो वहीं बोर्डिंग पास के लिए 1/5 गेट की व्यवस्था भी की जा रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में 31 साल की महिला के साथ दिल्ली जैसी हैवानियत होने के बाद देश गुस्से में है। बता दें, हॉस्पिटल में भर्ती होने के करीब 33 घंटे बाद पीड़िता ने दम तोड़ दिया। ऑपरेशन करने के बाद भी महिला की जान नहीं बचाई जा सकी, उसका काफी खून बह चुका था। बिहार में बच्चों पर वायरल फीवर का कहर बढ़ता जा रहा है। अब हर रोज बड़ी संख्या में बच्चे वायरल फीवर का शिकार हो रहे हैं। हालात अब ऐसा हो गया है कि राज्य के अधिकांश शहरों में, खासकर उत्तर बिहार और राजधानी पटना के बड़े छोटे हॉस्पिटल में बेड की कमी हो गई है। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु विभाग में भी वायरल फीवर से बीमार बच्चों के आने का सिलसिला जारी है। NMCH में शिशु वार्ड में बेड फुल हो गए हैं, तो अब जनरल वार्ड में भी बच्चों का इलाज चल रहा है। बताते चले कि NMCH में शिशु वार्ड, नीकू, पीक और जनरल बेड मिलाकर 84 बेड हैं, लेकिन मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के कारण इलाज में भारी परेशानी सामने आ रही है। बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गांधीनगर में राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के गुजरात के CM विजय रूपानी ने यह बड़ा फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में विजय रूपानी मीडिया को ब्रीफ करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ज़्यादा जानकारी निकलकर सामने आएगी कि चुनाव से ठीक पहले उन्होंने इतना बड़ा कदम आखिरकार क्यों उठाया। पटना में जूनियर डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। एग्जाम में फेल होने पर जूनियर डॉक्टरों ने हंगामा करते हुए OPD सेवा को ठप कर दी है। पटना में आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के MBBS फर्स्ट ईयर के छात्राओं ने सभी OPD सेवा बंद कर दी है। दरअसल छात्र यूनिवर्सिटी की ओर से जारी रिजल्ट से असंतुष्ट हैं। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में 35-40% छात्रों को फेल कर दिया है। बता दें, PMCH के जूनियर डॉक्टर गए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। 2019 बैच के छात्र छात्राओं को किया गया है 1-2 से फेल। जानलेवा बुखार और स्वाइन फ्लू को लेकर बिहार सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। बिहार में वायरल बुखार बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। वायरल बुखार के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब राज्य सरकार अलर्ट बोर्ड में आ गई है। प्रदेश के अंदर बच्चों में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों को लेकर सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, जिला अस्पतालों और प्राथमिक चिकित्सा अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बच्चों के स्वास्थ्य में हो रहे बदलाव को गंभीरता से लेने और उनके इलाज को प्राथमिकता में शामिल करने का निर्देश दिया है। अब हर राज्य में रहस्यमय बुखार फैल रहा है। डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जिले में डेंगू के अब तक 393 मरीज हो चुके हैं। साथ ही वायरल बीमारी भी आम लोगों को जकड़ रही है। इसमें मिस्ट्री फीवर का प्रकोप सबसे अधिक है, जो आम लोगों के साथ डॉक्टर्स की चिंता भी बढ़ा रहा है। इस बीमारी में मरीजों की प्लेटलेट्स अचानक गिर रही है। इसके मरीजों की तादाद हजारों में हो चुकी है। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बता दें, पिछले 24 घंटों में 33,376 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और कोरोना से
308 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 308 मरीजों की मौत के बाद कुल मरने वालों की तादाद भी बढ़कर 4,42,317 हुई। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो अभी देश भर में 3,91,516 लोगों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों का 1.18% है। बिहार के किसानों ने भी जंग का ऐलान कर दिया है। पटना में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। पटना के IMA हॉल में आयोजित किसान सम्मेलन में 9 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल के मामले प्रस्ताव पारित कर सरकार से मांग रखी कि बिहार सरकार बिजली बिल 2021 को अविलंब वापस ले, गन्ना का समर्थन मूल्य 600 रुपये करे और अन्य फसलों के लिए समर्थक मूल्य C2 के आधार पर किसानों की लागत का 1.5 गुना बढ़ाकर तय करें। बताते चले कि किसानों ने मांग रखी कि समर्थक मूल्य के लिए MS स्वामीनाथन ने जो फॉर्मूला तय किया था उसी के आधार पर बिहार में अजानों का समर्थन मूल्य तय किया जाए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए विमर्श न्यूज़ के साथ। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।